नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के IPO का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 9 मार्च 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो IPO है वो मार्च महीने का पहला IPO था, और ये IPO 3 मार्च से 5 मार्च के बीच हुआ था अप्लाई करने के लिए। अगर इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 574 से 575 इसका प्राइस बैंड रखा गया था। वहीं अगर बात करें लॉट साइज के बारे में तो करीब 26 शेयर से एक लॉट में आने वाले थे, और वहीं बात करें रिटेल कैटेगरी के हिस्से की तो करीब यहां पर 35% जो शेयर थे वो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए थे। मैंने आपको बोला था कि इस IPO में आपको बढ़ चढ़कर अप्लाई करना है, और तगड़े लिस्टिंग गेन के लिए भी आपको इसमें अप्लाई करना है, साथ ही साथ लॉन्ग के व्यू से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ग्रे मार्केट का प्रीमियम हमेशा से ही इसका ज़्यादा चलता रहा है, और अगर आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 590 से 595 रुपए के आसपास चल रहा है। अब देखिए, इसका जो इशू प्राइस है वो 575 रुपये है, और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 595 रुपये के आसपास है, यानी कि अगर हम इसको जोड़ें तो ये 0 और करीब यहाँ पर 7 आएगा, और यहाँ पर अगर हम जोड़ें तो करीब करीब 1170 रुपये के आसपास लिस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि आपको डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 575 का इशू है और 595 पर लिस्ट, यानी कि आपको इशू प्राइस से भी ज़्यादा यहाँ पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर बात करें तो 100 रुपये 100% से लेकर करीब करीब जो है 110% का यहां पर प्रीमियम आपको मिल रहा है। लेकिन मैं आपको लिस्टिंग के दिन की अगर बात बताऊं तो मेरे हिसाब से आज के सिनेरियो में करीब इसमें 100% से लेकर देखिए थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 90% से लेकर करीब 120% तक के लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि हर तरह से आपके जो है पैसे जो आपने लगाए हैं अगर आपको अलॉट होता है तो आपके पैसे डबल होते हुए दिख जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये था कि उन्होंने इस IPO में अप्लाई नहीं किया है, वो इसलिए भी क्योंकि इसके पहले जो IPO आया था उसमें उनके पैसे फंसे हुए थे जिसके कारण इस IPO में वो अप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन आपको बता दें कि ये जो IPO है ये अपने आप में शानदार IPO था, इस IPO में आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए था, ऐसा आपको हर जगह से सजेशन दिया गया था। लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए आपको इसमें अप्लाई करने का सजेशन दिया गया था। तो भाई, अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो आप अपने अलॉटमेंट की दुआ कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये मिलता है तो बेहतरीन कमाने का मौका आपके लिए ये हो सकता है। तो देखिए, ये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था 9 मार्च का। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।